हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैंने नवी आज आपके लिए फिर एक लंच बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप कलर कॉम्बिनेशन तो पहले देख ही रहे हैं, इसमें मैंने यहाँ पर एक जिप दी है। इस तरह से काफ़ी गहरी पॉकेट है, अच्छी खासी। इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं जो भी आपको रखना है। हैंडल इसका काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ में दिया गया है। और अब इसको हम अंदर से खोल के देखते हैं। यहाँ पर मैंने फुल वेलक्रो दिया है जिससे कि आपका खाना पूरा सुरक्षित रहेगा और बच्चों को खोलने बंद करने में भी आसानी है। यहाँ अंदर की वेलक्रो है और ये पूरा स्क्वायर में बना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का लंच बैग बनाने के लिए हमें सामान चाहिए। 8x34 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 8x13 इंच का 2 पीस क्विल्टेड, 8x8 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 8x15 इंच 1 पीस लाइनिंग, 7x7 1 पीस कार्डबोर्ड, 8 इंच 1 जिप, 1 रनर, 1 पैच, 16 इंच 2 पीस बेल्ट, पाइपिंग लॉन्ग चाहिए, 8 इंच 2 पीस वेलक्रो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 8x34 इंच का पीस और इसमें हम यहाँ पर वेलक्रो लगा देंगे। ये हमारा 8 इंच है और ये 34 इंच है। तो यहाँ पर हम बहुत हाफ इंच डाउन जा कर के और वेलक्रो लगा देंगे। एक वेलक्रो हमने सीधी तरफ लगाया है और जो दूसरा वेलक्रो का दूसरा पार्ट है उसको हम उल्टी तरफ लगाएंगे और हाफ इंच डाउन पर लगाएंगे। इसको लगाने के बाद 8x13 इंच का पीस लेंगे दोनों और वेलक्रो लेंगे और इसमें भी हम वेलक्रो लगा देंगे। एक में सीधे साइड में लगाएंगे, एक में उल्टे साइड में लगाएंगे, हाफ इंच डाउन पर। ये वेलक्रो वाले सब पीस तैयार करने के बाद अब हम लेंगे 8x8 का क्विल्टेड पीस और पैच। ये हमारा क्विल्टेड पीस है और ये हमने एक पैच ले लिया है, इसको हम लगा देंगे। इस तरह से नीचे से रखते हुए लगा देंगे। पैच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा पैच है। ये जो पैच है आप इसको फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं और नहीं तो हाथ से भी इसको कच्चा टाका मार करके कंप्लीट कर सकते हैं और या तो इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। इसमें सब ऑप्शन होते हैं और इसको इसमें पीछे प्लास्टिक होती है, इसको प्रेस करके भी पेस्ट किया जा सकता है। को इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। 2 इंच डाउन जाएंगे, लाइन खींचेंगे, कट करेंगे और इसमें जिप लगा देंगे। इसको इस तरह से तैयार करने के बाद अब हम मेजरमेंट लेंगे। 8x34 इंच का पीस लेंगे। जिधर वेलक्रो लगाया था उस साइड से ये 8 इंच के एरिया से 5 इंच डाउन जाएंगे, निशान लगाएंगे
आप देख रहे हैं निशान लगा है। फिर इसके बाद हम 8 इंच डाउन जाएंगे, निशान लगाएंगे, फिर 8 इंच डाउन जाएंगे, पूरा निशान लगाएंगे, और लास्ट में फिर 8 इंच डाउन जाएंगे। निशान, ये निशान लगाना ज़रूरी है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ 5 इंच बचेगा। तो साइड में शुरू में और लास्ट में 5 इंच रहेगा, बीच में 3 पार्ट हमारे 8 इंच के होंगे। इसको मेजरमेंट करने के बाद 8 इंच पर, ये जो 5 इंच डाउन पर हमने 8 इंच पर निशान लगाया था, सॉरी 5 इंच डाउन जा करके जो हमने निशान लगाया था उसका सेंटर मार्क निकालेंगे। ये हमारा 4 इंच है, 4 इंच से 2 इंच इधर, 2 इंच इधर मार्क लगाएंगे। दूसरे साइड में जहाँ पर 5 इंच पर हमारा डाउन पर निशान है, यहाँ पर भी सेंटर मार्क निकालेंगे, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर मार्क लगाएंगे। और इसमें अब हम बेल्ट लगाएंगे, ये हमारे पास बेल्ट है, बेल्ट को लगाएंगे, जो निशान है वहाँ से रखते हुए इसको डबल मशीन चलाएंगे और पलट के यहाँ पर फिर डबल कर देंगे। इस तरह से बेल्ट लगाने के बाद अब इसमें हम हल्का सा यहाँ पर राउंड शेप देंगे। 5 इंच यहाँ पर हमारा ये निशान है, ये ध्यान रखिएगा, ये 5 इंच निशान है, हमें यहाँ तक कट नहीं करना है, बस यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देना है ऊपर साइड में। एक साइड हमने कट किया, इसको फोल्ड कर देंगे और इसी के बराबर यहाँ भी कट कर लेंगे। अब इस पीस को दूसरे साइड में रखेंगे और इसके बराबर से कट कर लेंगे। ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब हम लेंगे 8x13 इंच के दोनों क्विल्टेड पीस, जिसमें हमने वेलक्रो लगाया था। इसमें भी हम नीचे से किसी भी एक साइड से, जहाँ से वेलक्रो लगाया है उसके जस्ट अपोजिट साइड से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इधर भी इसी तरह से 8 इंच पर निशान लगाया है, चाहे ये वेलक्रो वाला हिस्सा है। अब इसमें भी हम इस पीस को रखेंगे जो पहले कट किया था, वेलक्रो वाले साइड पर रखेंगे और इसमें भी गोल कट दे देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद जो हमने पाइपिंग लिखवाई थी यहाँ पर, इस पर हम पाइपिंग लगा देंगे। ये 8 इंच की लाइन है, ये 8x8 का पीस है, इस पर हम पाइपिंग डाल देंगे। इस तरह से सेम प्रोसीजर में इसमें भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। ये दो पीस हमारे तैयार हो गए। अब हम वापस 8x34 इंच का पीस लेंगे और इसमें जो पहला वाला 8x8 इंच का पीस हमारा निकला है, उसमें इस पीस को जो जिप और पैच का हमने तैयार किया था, इसको रखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। ये जो 8 इंच की लाइन आ रही है बेल्ट के पास, इस पर ये पैच वाला हिस्सा उल्टा रखेंगे इस लाइन पर और इसको पहले यहाँ पर जोड़ देंगे। इसको सीधा करेंगे और इसको बराबर से जोड़ देंगे। नीचे से फोल्ड कर देंगे इसको और सिल देंगे। ये पॉकेट यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करने के बाद
अब ये बीच का जो 8x8 इंच का पीस है, इसमें हम ये 8x13 इंच के पीस को लेंगे और लगा देंगे। तो इसको हमें सीधा ही इस तरह से लगाना होगा। ये 8x8 में हमने पॉकेट लगा दी, बीच वाले 8x8 में इसको गोल हिस्सा ऊपर रखते हुए इसको बाहर की तरफ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे। ये जो 8 इंच की लाइन है इसको वापस यहाँ जोड़ देंगे और इधर वाला यहाँ पर जोड़ देंगे, और सेम प्रोसीजर इधर भी करना है। इसको खड़ा करके ट्राई करेंगे। ये देखिए बॉक्स हमारा बिल्कुल खड़ा हो गया है इस तरह से, है ना। और अब इसमें हम जो बाहर सिलाई दिखाई दे रही है पूरा पाइपिंग चढ़ाते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह ये हमारा लंच बैग तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पूरा इस तरह से खुलेगा और इसको हम ये वाला जो पार्ट है इसको अंदर बंद करेंगे, और जो बाहर जिधर पैच और पॉकेट है इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। इसको इस तरह से तैयार करने के बाद जो अब मैंने लिखवाया था 7x7 का एक कार्डबोर्ड और 8x15 इंच की लाइनिंग, तो अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पे हाफ इंच बाहर है ये, इसको इधर ऐसे फोल्ड करेंगे पूरा, और फोल्ड करते हुए इसके इसके ऊपर ले आएंगे। ये हाफ इंच वाला भी अंदर मोड़ देंगे इस तरह से। अब इस पे हम मशीन चला देंगे। ये हमारा सरफेस तैयार हो गया। हम इस कार्डबोर्ड को जो हमने कवर किया है इसके अंदर बॉटम में इजीली डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम टिफ़िन वगैरह रखेंगे, कुछ सामान वगैरह रखेंगे, तो बैग यहाँ से टाइट रहेगा हमारा पूरा कंप्लीट। और इसको हम बहुत ही आसानी से निकाल करके और इस बैग को हम धो भी सकते हैं, तो और खाना हमारा एकदम सीधा जाएगा, उसमें चाहे कोई जूसी चीज़ हो या कुछ भी हो वो हिलेगा नहीं और गिरेगा नहीं। तो जो कार्डबोर्ड पे लाइनिंग लगाई है मैंने, तो जो आमतौर पे मैं लाइनिंग इस्तेमाल करती हूँ वो एक तरह से वाटरप्रूफ ही होती है, तो उसको मैंने वहाँ पर लगाया है। आप चाहें तो पन्नी भी चढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।